हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, पाठ कागज़ व मुद्रण। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिल्ली में छपने वाले 3 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला नवभारत टाइम्स, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा दैनिक जागरण। प्रश्न 2, महात्मा गांधी ने किन 2 समाचार पत्रों को संपादित किया था? तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला हरिजन, दूसरा यंग इंडिया। प्रश्न 3, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? किन्हीं 4 जगहों के नाम लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला विद्यालय, दूसरा बैंक, तीसरा रेलवे स्टेशन, चौथा एयरपोर्ट। इन सभी जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र जन संचार का साधन नहीं है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं, पहला रेफ्रिजरेटर, दूसरा टेलीविज़न, तीसरा रेडियो, चौथा अखबार। तो यहाँ पूछा गया है कि जन संचार का साधन कौन सा चित्र नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जन संचार का साधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको इनमें सही शब्द भरना है। पहला डैश गुटनबर्ग की छापी गई पहली पुस्तक है, तो यहाँ लिखेंगे बाइबल। दूसरा ग्रेफाइट असल में डैश होता है, तो यहाँ लिखेंगे नरम। ग्रेफाइट असल में नरम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, अपने घर के बड़ों से पता कीजिए तथा लिखिए कि उनके समय में पढ़ने लिखने के क्या साधन होते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पिताजी बताते हैं कि उनके समय में लिखने के लिए तख्ती होती थी, जिसे मुल्तानी मिट्टी से पोता जाता था और दूब की कलम व स्याही से इस पर लिखा जाता था। तो बच्चों, इसके अलावा भी आप अपने बड़ों से पता कर सकते हैं कि उनके समय में पढ़ने के और अन्य क्या साधन थे, और आप उन साधनों के नाम या उनके बारे में यहाँ पर लिख भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल मानचित्र का प्रयोग कैसे करें? तो बच्चों, आज के जीवन कौशल में आपको मानचित्र का प्रयोग कैसे करें के बारे में बताया गया है। मानचित्र द्वारा हम किसी भी स्थान के मुख्य बातों, जैसे स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के बारे में जान पाते हैं। मानचित्र में दिशाओं और विभिन्न रेखाओं द्वारा किसी स्थान को ढूंढ पाते हैं। मानचित्र को समझने के लिए कुछ चिन्ह भी दिए जाते हैं, जैसे पुल के लिए ये वाला चिन्ह, सड़क के लिए ये वाला चिन्ह, और भी अन्य चिन्ह हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। चलिए नीचे अन्य चिन्हों को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर घर के लिए इस प्रकार का चिन्ह बनाया गया है, विद्यालय के लिए इस प्रकार, स्विमिंग पूल को दिखाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह दिखा सकते हैं, पार्क के लिए इस प्रकार पेड़ बनाकर, दमकल के लिए इस प्रकार फायर होज बनाकर, पोस्ट ऑफिस इस प्रकार दिखा सकते हैं, पौंड तालाब को इस प्रकार, मॉल को इस प्रकार दिखाया गया है, और लाइब्रेरी को इस प्रकार दिखाया गया है। तो आप मानचित्र में अलग अलग तरह से चीज़ों को चिन्हों की सहायता से दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कार शाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं, वॉल्ट डिज्नी। तो वॉल्ट डिज्नी ने क्या कहा है कि हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। खेल के बारे में बताया गया है, ताली थप्पा, बच्चों को 1 से लेकर 20 तक गिनती बोलनी है, 5 और 15 पर ताली और 10 और 20 पर थप्पा करना है। तो यहाँ आपको ताली थप्पा खेल खेलना है, 1 से 20 तक गिनती बोलनी है, 5 और 15 पर ताली, 10 और 20 पर थप्पा करना है। खाना पीना दलिया लस्सी। गतिविधि, एक प्राथमिक उपचार पेटी का निर्माण करें और उसमें आवश्यक दवाइयाँ रखें। तो बच्चों, आप घर पर एक प्राथमिक उपचार पेटी फर्स्ट एड बॉक्स का निर्माण करेंगे और उसमें आवश्यक दवाइयाँ रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।